नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सैनी बैंको कैरियर एकेडमी सीकर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग देख रहे थे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स में हमने पिछले वीडियो के अंदर देखा कि हमने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर्स जो है वो कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लिए थे और अपने कंप्यूटर को क्या कर दिया था, बंद कर दिया था, यानी कि हमने शट डाउन कंप्यूटर को कर दिया था। अब अपन बात करते हैं उसी सिस्टम सॉफ्टवेयर की, उस सिस्टम सॉफ्टवेयर को दोबारा से हम कंप्यूटर को ऑन करने की बात करते हैं, ठीक है। तो हमने पिछले वीडियो में कंप्यूटर को क्या किया था, क्लोज किया था, ठीक है ना। अब अपन क्या करेंगे, कंप्यूटर को ऑन करेंगे। तो देखिए, कंप्यूटर को जब हम ऑन करते हैं, कंप्यूटर को जब अपन क्या करते हैं, ऑन करते हैं, तो कंप्यूटर कुछ वक्त लेता है, कुछ क्या लेता है, वक्त लेता है। यानी कि कंप्यूटर को जब ऑन किया, ऑन करने के बाद में अपन डिस्प्ले के ऊपर देखते हैं कि उसके ऊपर कुछ एक प्रोसेसेस चलती रहती हैं, कुछ एक क्या चलती रहती है, प्रोसेस चलती रहती है। और उसके बाद में हमारे सामने कई सारे ग्राफिक आते हैं, अपने सामने क्या आते हैं, कई सारे ग्राफिक आते हैं, छोटे छोटे से आइकन्स अपने सामने प्रदर्शित होते हैं, ठीक है ना। और ये जो प्रदर्शन होता है यहाँ पर कि हम ये यहाँ पर छोटे छोटे ग्राफिक्स आ गए, तो इसको हम कहते हैं वर्किंग पोजिशन। क्या कहते हैं, वर्किंग पोजिशन, वर्किंग पोजिशन। कंप्यूटर को क्या किया, ऑन किया, ऑन करने के बाद में कंप्यूटर में कुछ क्या लगा, टाइम लगा, और टाइम लगने के बाद में हम कहाँ पर पहुँचे, वर्किंग पोजिशन में, यानी कि किसी भी ग्राफिक को खोलने की पोजिशन में अपन पहुँच गए। तो देखिए, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि कंप्यूटर को ऑन करने के बाद कंप्यूटर के वर्किंग पोजिशन पर पहुँचने के बीच में लगा हुआ जो समय है वो क्या कहलाता है। कंप्यूटर को ऑन करने के बाद कंप्यूटर के वर्किंग पोजीशन में पहुंचने के बीच में लगा हुआ समय क्या कहलाता है, तो उसे अपन कहते हैं बूटिंग। क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं, ठीक है ना। अब ये देखो कि अगर हमसे बूटिंग के बारे में पूछ लिया जाए तो हम बता सकते हैं कि कंप्यूटर को ऑन करने से करने के बाद वर्किंग पोजीशन में पहुंचने के बीच लगा हुआ समय क्या कहलाता है, बूटिंग कहलाता है। अब ये जो बूटिंग होती है ये भी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि कंप्यूटर को ऑन करने के बाद वर्किंग पोजीशन में जब अपन पहुंचते हैं, काम करने लायक जब कंप्यूटर हो जाता है, तो उसके बीच में जो समय लगता है वो समय क्या कहलाता है, बूटिंग कहलाता है। ये जो बूटिंग है ये दो प्रकार की होती है, एक तो अपनी कोल्ड बूटिंग, एक तो कौन सी, कोल्ड बूटिंग, और एक अपनी वार्म बूटिंग। कौन सी बूटिंग, वार्म बूटिंग, कौन सी बूटिंग है, वार्म बूटिंग, ठीक है ना। दोनों के अंदर अपन डिफरेंस देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं वार्म बूटिंग की, ठीक है, वार्म बूटिंग। और उस पहला कौन सा हो गया, कोल्ड बूटिंग। चलिए कोल्ड बूटिंग से ही देख लेते हैं। हमने पिछले वीडियो में क्या किया था, कंप्यूटर को बंद, यानी कंप्यूटर बंद पड़ा है, कंप्यूटर कैसा है, बंद पड़ा है, और बंद पड़े कंप्यूटर को हम क्या करते हैं, ऑन करते हैं। बंद पड़े कंप्यूटर को क्या करते हैं, ऑन करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो प्रोसेस हम करते हैं इसे क्या कहेंगे अपन, कोल्ड बूटिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, कोल्ड बूटिंग। जब कंप्यूटर, अब देखो साधारण लैंग्वेज में अपन कैसे समझ सकते हैं कि कंप्यूटर अगर बंद पड़ा है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं हो रही है, और इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं हो रही है इसका मतलब क्या हो गया, कंप्यूटर कैसा है, ठंडा। कैसा है, ठंडा। तो ठंडे कंप्यूटर को ऑन करना क्या कहलाएगा, कोल्ड बूटिंग। नॉर्मल सिंपल सी लैंग्वेज, ठीक है। एक पोजीशन होती है कि अपना कंप्यूटर ऑन है, अपना कंप्यूटर क्या है, ऑन है, लेकिन किसी कारणवश उस कंप्यूटर को क्या किया जाए, फिर से रीस्टार्ट किया जाए, फिर से क्या किया जाए, रीस्टार्ट। जैसे कि अपन सुनते हैं ना कि मोबाइल हैंग हो गया, या फिर अपना कंप्यूटर क्या हो जाता है, उसी तरीके से हैंग हो जाता है, जिसमें अपन किसी भी डिवाइस का उपयोग नहीं कर सकते। जैसे मान लो कीबोर्ड है, माउस है, किसी का भी यूज़ नहीं कर सकते, ये सभी क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, सभी क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। उनको वापस सक्रिय बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, कंप्यूटर को दोबारा से ऑन करते हैं। चालू है कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, चालू, यानी कि ऑन है, लेकिन इसको फिर से क्या किया जाए, रीस्टार्ट किया जाए। क्या किया जाए, रीस्टार्ट किया जाए, यानी गर्म कंप्यूटर को फिर से क्या कर रहे हैं अपन, रीस्टार्ट कर रहे हैं। तो वो बूटिंग कौन सी होती है अपनी, वार्म बूटिंग होती है। कौन सी बूटिंग होती है अपनी, वार्म बूटिंग होती है।
चलते हुए कंप्यूटर को किसी भी कारणवश फिर से ऑन करना, बंद करके फिर से ऑन करना अपना क्या कहलाता है, वार्म बूटिंग कहलाता है। ठीक है, तो दो प्रकार की अपनी बूटिंग हो जाएगी, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। ठीक है ना, ये दो प्रकार की बूटिंग है। अब यहाँ पर अपन ये देखते हैं कि भैया बूटिंग समझ में आ गया कि बूटिंग कहते किसे हैं, वर्किंग पोजिशन तक पहुँचने में लगा समय क्या कहलाता है, बूटिंग। दो प्रकार की बूटिंग हो गई, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। लेकिन ये जो बूटिंग है, ये जो बूटिंग में टाइम लगता है, यानी कि जिसको अपन क्या कह सकते हैं, बूटिंग टाइम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, बूटिंग टाइम कह सकते हैं। इस बूटिंग टाइम में होता क्या है कि समय लगता है, ये कहना बूटिंग टाइम में होता क्या है कि समय लगता है। देखिए अपन इन क्लासेस में क्या कर रहे हैं, यानी जितने भी कंसेप्ट है ना, उन कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चल रहे हैं। ठीक है ना, यानी एक रटने वाली प्रोसेस नहीं है अपने पास में। ठीक है, एक रटने वाली प्रोसेस नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, हर एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चल रहे हैं, जिससे कोई भी क्वेश्चन पुटअप हो तो अपना अगर कंसेप्ट क्लियर है तो अपन क्या कर सकते हैं, अपना लॉजिक से उसका आंसर दे सकते हैं। मान लो कि कोई क्वेश्चन सामने नहीं आया, फिर भी एग्जाम में अपने सामने वो क्वेश्चन आ गया, तो अपन क्या कर सकते हैं, अपने लॉजिक से उसका सटीक आंसर दे सकते हैं, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो। ठीक है ना, तो कंसेप्ट के ऊपर आधारित अपन यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, एक एक पॉइंट को अपन यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए बूटिंग टाइम क्या होता है, यानी कि हम जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं और कंप्यूटर को ऑन करने के बाद वो वर्किंग पोजीशन में आता है, तो वर्किंग पोजीशन में जब वो आता है तो बीच में जो समय लगा, वो समय क्यों लगा, उस समय को अपन कहेंगे बूटिंग टाइम। बूटिंग टाइम, अब देखिए क्यों लगता है ये समय, ये आपको थोड़ा सा ध्यान दे करके पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है ना, देखिए ये किस तरीके से काम करेगा कि कंप्यूटर को हमने किया ऑन, कंप्यूटर को क्या किया हमने, ऑन किया, तो देखिए कंप्यूटर में सबसे पहले कौन चलेगा, यहाँ पर कई चीज़ें आएंगी कि कंप्यूटर को जब अपन ने ऑन किया तो अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम था ना, ऑपरेटिंग सिस्टम जब तक नहीं चलेगा कंप्यूटर में, जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चलेगा तब तक हम लोग काम कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, तब तक हम कंप्यूटर में काम नहीं कर सकते हैं। भाई वो सिंपल सी लैंग्वेज अपन ने देखी थी ना कि मध्यस्थ है ये, अगर यही नहीं होगा तो हम काम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अपने को क्या चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए कंप्यूटर को ऑन करने के लिए। अब देखना कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कहाँ स्टोर था, स्टोर्ड कहाँ है, हार्ड डिस्क के अंदर, कहाँ स्टोर्ड है, हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर है। अब आप याद करिए स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर को, स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर को, कि जब भी कंप्यूटर को इनपुट दिया जाता है, निर्देश दिया जाता है, तो वो निर्देश सबसे पहले कहाँ जाता है, कहाँ जाता है, रैम के पास में जाता है। तो अपन यहाँ पर लिख लेते हैं रैम, कहाँ पर जाता है, रैम। ठीक है ना, रैम के पास में जाता है। इसके बाद में रैम के साथ में ही दूसरा भाग कौन सा था, रोम था, प्राइमरी मेमोरी का दूसरा भाग कौन सा था, रोम। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं रोम, क्या लिख लेते हैं, रोम। रोम का उपयोग क्या था भैया, ये बताओ रोम का क्या उपयोग था, रोम का क्या उपयोग था, रोम के अंदर कौन सी फाइल्स होती हैं जो कंप्यूटर को ऑन करने का काम करे और कंप्यूटर के आगे जितने भी वर्क हो उनमें फाइल्स को पहुंचाने का काम करे, वो फाइल्स कहाँ पर रहती है अपनी, रोम के अंदर रहती है। अब देखो यानी प्रोग्रामिंग फाइल्स कहाँ पर रहती है, रोम के अंदर रहती है। ठीक है, सबसे पहले हार्ड डिस्क चल नहीं सकती, सबसे पहले हार्ड डिस्क चल नहीं सकती, और ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स कहाँ पर है, हार्ड डिस्क के अंदर है। तो देखिए जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है, जब कंप्यूटर को क्या किया जाता है, ऑन किया जाता है, तो सबसे पहले अपना ऑन कौन होगा, रैम, और उसके बाद में कौन ऑन होगा, रोम। रोम क्या करेगा कि रोम यहाँ से अपनी फाइल्स को उठाएगा, यानी कि रोम चलेगा और हार्ड डिस्क में से ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स को उठाएगा और किसको दे देगा, रैम को दे देगा, किसको दे देगा, रैम को दे देगा। तभी रैम क्या करेगा, उन फाइल्स को प्रोसेसर के पास में पहुँचाने का काम करेगा, किसके पास में पहुँचाने का काम करेगा, प्रोसेसर के पास में पहुँचाने का काम करेगा। और प्रोसेसर क्या करता है, किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट करके उसका आउटपुट निकालता है, उसका आउटपुट निकालता है। यानी कि हमने कंप्यूटर को ऑन किया किस लिए, कि ऑपरेटिंग सिस्टम चले और उसके बाद में हम कंप्यूटर के सभी उपकरणों का उपयोग करना स्टार्ट करें। ठीक है ना, तो लेकिन शुरू के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम खुद कहाँ नहीं जा सकता है, प्रोसेसर के पास में नहीं जा सकता है, इसलिए हमने क्या किया,
सबसे पहले कौन उठा, ओन, ओन कौन हुआ अपना रोम, और रोम क्या करेगा यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स को उठा करके किस में डालेगा, रैम के अंदर डालेगा, और रैम क्या करेगा उन फाइल्स को प्रोसेसर के पास में पहुँचा देगा। अब आपको बताइए कि प्रोसेसर के पास में कोई भी फाइल पहुँच जाती है तो प्रोसेसर क्या करता है, उसका फिर निस्तारण करता है। और अपन देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, डिस्प्ले के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम चल चला के, और यहाँ हम क्या कर देते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑन, यानी कि यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम जब ऑन हो जाएगा तो अपने सामने क्या आ जाएंगे, अपने ग्राफिक्स आ जाएंगे, कीबोर्ड माउस वगैरह वो सारे के सारे ऑन हो जाएंगे, और हम क्या कर सकते हैं कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो बूटिंग टाइम होता है उस वक्त ये सारी चीज़ें काम करती है, ये सारी चीज़ें काम करती हैं, और इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, बूटिंग टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, बूटिंग टाइम कहते हैं। समझ में आया होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा पजल्ड है कि रोम के अंदर जो फाइल्स थी ना उनका यही काम होता है। सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन सा हो गया, यही काम होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स को उठाया, रैम के अंदर डाला, और रैम क्या कर देगा उसको प्रोसेसर तक पहुंचा देगा, ठीक है। तो अपना कंप्यूटर क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपना कंप्यूटर ऑन होने का काम करता है, और इसको क्या कहते हैं, बूटिंग टाइम। ये जो प्रोसेस होता है इसको क्या कहते हैं, बूटिंग टाइम कहते हैं। कंप्यूटर को ऑन करके देख लो, चाहे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करके देख लो, एक बूटिंग टाइम तो लगता ही है, ठीक है ना। तो उस टाइम पर ये प्रोसेस अपनी होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक पॉइंट अपना आता है जिसको कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कंप्यूटर जो है वो बंद करने के बाद भी जब अपन कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो उसके अंदर टाइम और डेट एग्जैक्ट कैसे आते हैं, टाइम और डेट एग्जैक्ट कैसे आते हैं। तो देखो इसके लिए हम लोग एक टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं और उसे अपन कहते हैं सीमोस। उसे क्या कहते हैं, सीमोस, सीमोस टेक्नोलॉजी। और इसका काफ़ी बार क्या पूछ लिया जाता है, फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कि सीमोस का फुल फॉर्म क्या होता है। सीमोस क्या होती है, एक बैटरी होती है, एक क्या होती है, बैटरी जो मदरबोर्ड के ऊपर लगाई जाती है, ठीक है ना, जिसको अपन बायोस बैटरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोस बैटरी भी अपन कहते हैं। एक सेल टाइप होता है, जैसे घड़ी में जो सेल डलता है ना उस टाइप का एक सेल होता है जिसमें करंट रहता है और वो क्या करता है कंप्यूटर को अपडेट रखने का काम करता है। तो बायोस और सीमोस की कई बार क्या पूछ ली जाती है, फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो देखो सीमोस की फुल फॉर्म होती है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना, जो कंप्यूटर को अपडेट करने का काम करता है। और इसे बायोस बैटरी के नाम से भी जाना जाता है, बायोस बैटरी के नाम से भी जाना जाता है। तो बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, काफ़ी बार इनकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, ठीक है। तो ये दोनों फुल फॉर्म अपने को क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। सीमोस का फुल फॉर्म हो गया कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, बायोस का फुल फॉर्म हो गया बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कंप्यूटर के अंदर अपन ने क्या डाल दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम को अब अपन चलाएंगे कैसे, अब अपन चलाएंगे कैसे, ठीक है। तो देखिए कंप्यूटर को हमने किया ऑन, ऑन करने के बाद में लगा बूटिंग टाइम, बूटिंग टाइम अपन कहते किसे वो अपन ने देख लिया। अब बूटिंग टाइम होने के बाद, बूटिंग टाइम होने के बाद अपन ये देखते हैं कि ये जो अपनी फर्स्ट विंडो खुलती है मॉनिटर के ऊपर खुलती है ना, यहाँ पर फर्स्ट विंडो खुलती है, ठीक है। तो उससे हम क्या क्या कहेंगे और किस किस तरीके से इसका उपयोग किया जाएगा, तो देखिए इस तरीके से, यानी ये जो स्क्रीन अपनी आ जाए, इस फर्स्ट स्क्रीन को क्या कहा जाता है, होम स्क्रीन, क्या कहा जाता है, होम स्क्रीन। और हम इसे यानी कि इस पूरी स्क्रीन को, इस होम स्क्रीन को डेस्कटॉप नाम से भी जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, डेस्कटॉप के नाम से भी जानेंगे। तो देखिए ये जो डेस्कटॉप होता है, इस डेस्कटॉप के ऊपर अपन कौन कौन सी चीज़ों को देखते हैं उनके बारे में अपन देखेंगे, ठीक है। तो देखिए ये जो डेस्कटॉप है इसमें हम एक नीचे पट्टी का देखते हैं, एक क्या देखते हैं, पट्टी का।
देखिए यहां पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डाला है हमने, विंडोज 10, विंडोज 10 डाला है, ठीक है ना। तो देखिए विंडोज 10 के अंदर कौन कौन सी चीजें होंगी, यहां पर नीचे नीचे एक पट्टी दिखाई देती है, क्या दिखाई देती है, पट्टी दिखाई देती है। इस पट्टी को अपन क्या कहेंगे, टास्क बार, क्या कहेंगे इसे अपन, टास्क बार कहेंगे, ठीक है ना, क्या कहेंगे इस पट्टी को, टास्क बार कहेंगे, ठीक है ना। यहां पर अपना एक होता है स्टार्ट बटन, क्या होता है, स्टार्ट बटन, क्या होता है, स्टार्ट बटन होता है, ठीक है। और ये अपने होते हैं आइकन्स, क्या होते हैं, आइकन्स, ठीक है, क्या होते हैं, छोटे छोटे से आइकन्स होते हैं ये सारे, ठीक है। इसके बाद में देखिए एक ये कॉर्नर होता है जिसके अंदर अपने कई सारे ऑप्शन रहते हैं, जैसे अपना डेट एंड टाइम रहता है, अपना प्रिंटर का, यानी प्रिंटर छोड़ो, जो भी अपन डिवाइस को ज़्यादा उपयोग में ले रहे हैं उसका यहाँ पर सिंबल रहता है, ठीक है। तो इसको अपन क्या कहेंगे, सिस्टम ट्रे के नाम से जानेंगे, किसके नाम से जानेंगे, सिस्टम ट्रे के नाम से जानेंगे, किसके नाम से जानेंगे, सिस्टम ट्रे के नाम से, जहाँ पर डेट एंड टाइम लिखा हुआ रहता है, क्या लिखा हुआ रहता है, डेट एंड टाइम लिखा हुआ रहता है, या फिर ज़्यादा उपयोग किया जाने वाले, ज़्यादा उपयोग किए जाने वाले जितने भी अपने डिवाइसेस के जो सॉफ्टवेयर हैं उनके शॉर्टकट्स यहाँ पर रहते हैं, उनके शॉर्टकट्स यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। तो जो अपने को डेस्कटॉप दिखाई देता है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। यहाँ पर अपन बात करेंगे किन की, ये सारा हो गया अपना। अब देखना यहाँ पर एक बटन बनता है, जैसे मान लो कि आपने कोई भी गेम खोला, आपने क्या खोला, कोई भी गेम खोला, और उस गेम को आपने मिनिमाइज़ कर दिया, मिनिमाइज़ का ये बटन होता है ना एक, आपने कंप्यूटर को अगर यूज़ किया है तो ये बटन होता है, इसके ऊपर जब आप क्लिक कर देते हैं ना तो ये पूरा जो यहाँ पर विंडो एप्लीकेशन का जो विंडो खुला हुआ रहता है वो विंडो क्या हो जाता है, यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, यहाँ पर आ जाता है, और इसको हम कहते हैं टास्क बटन, क्या कहते हैं, टास्क बटन, ठीक है। क्या बना लेता है, टास्क बटन, यानी किसी भी खुली हुई एप्लीकेशन को जब मिनिमाइज किया जाता है तो वो किसका रूप ले लेती है, टास्क बटन का रूप ले लेती है, और ये यहाँ पर टास्क बटन बन जाता है जो टास्क बार के ऊपर रहता है, ठीक है। अब जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है वो उसकी बात करेंगे अपन, कि ये जो अपने को ग्राफिक यहाँ दिखाई देते हैं ये कई प्रकार के होते हैं, यानी अगर मैं कहूँ तो कि आइकन्स कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो देखना एक अपना होता है शॉर्टकट आइकन, पहला कौन सा होता है, शॉर्टकट आइकन्स। तो देखिए शॉर्टकट आइकन अपन किसे कहते हैं, शॉर्टकट आइकन्स वे आइकन्स होते हैं जो जिन आइकन्स के कॉर्नर के ऊपर तीर का निशान रहता है, जिनके कॉर्नर के ऊपर क्या रहता है, तीर का निशान, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि किसी भी एप्लीकेशन को डायरेक्ट ओपन करने के लिए उसका जो आइकन है वो आइकन क्या कहलाता है, अपना शॉर्टकट आइकन कहलाता है। जैसे मान लो कि कंप्यूटर में हमने, जैसे नहीं होता, अपने मोबाइल पर आ जाइए, मोबाइल को अपन देखते हैं कि मोबाइल में अपन ने व्हाट्सएप इंस्टॉल कर रखा है, अब वो जो इंस्टॉल जो व्हाट्सएप है ना वो कहाँ पर रहता है, मेन्यू में रहता है, कहाँ पर रहता है, मेन्यू में रहता है, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि वो होम स्क्रीन के ऊपर रहे, कि मोबाइल को ऑन करते ही उसके ऊपर व्हाट्सएप अपने को दिखाई दे, तो अपन क्या करते हैं उस व्हाट्सएप को पकड़ के होम स्क्रीन के ऊपर ले आते हैं, तो वो एक क्या बन गया, डायरेक्टली उसको खोलने के लिए शॉर्टकट बन गया, ठीक है। उसी तरीके से मान लीजिए कि कंप्यूटर में आपने टेली इंस्टॉल किया, क्या इंस्टॉल किया आपने, टेली इंस्टॉल किया, तो टेली को ओपन करने का जो जो शेड्यूल रहेगा वो कौन सा रहेगा, कि स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करो और उसके बाद में टेली ऑप्शन के ऊपर जा करके उसको क्या करो, ओपन करो। लेकिन अपन क्या करते हैं, इस टेली का शॉर्टकट आइकन बना देते हैं, क्या बना देते हैं, शॉर्टकट आइकन बना देते हैं, तो वो यहाँ पर आ जाता है, तो हमें स्टार्ट बटन पे क्लिक नहीं करना पड़ेगा, यहाँ से टेली को चूज़ नहीं करना पड़ेगा, अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इस आइकन से ही इसको उठा लेते हैं, ठीक है। तो वो अपना कौन सा होगा, शॉर्टकट आइकन होगा, वो कौन सा आइकन होगा अपना, शॉर्टकट आइकन होगा, ठीक है। इसके बाद में अपन देखें तो दूसरा अपना आइकन जो होता है उसे अपन कह सकते हैं फोल्डर, दूसरा कौन सा होता है, फोल्डर आइकन, ठीक है ना, कौन सा होता है, फोल्डर आइकन। अब देखो फोल्डर आइकन कौन सा होता है,
कि ऐसा आइकन, मान लीजिए कि आपके पास में कई सारी इमेजेस हैं, आपके पास में क्या है, कई सारी इमेजेस फोटोज हैं, और आप क्या करते हैं कि उन फोटोज को डायरेक्टली यहां पर ही एक फोल्डर बना करके डालना चाहते हैं। तो आपने क्या किया, यहां एक न्यू फोल्डर बना दिया। क्या बना दिया, न्यू फोल्डर बना दिया, जिसके अंदर आपने सारी फोटोज डाल दी, ठीक है ना। तो ये अपना कौन सा हो जाएगा, फोल्डर आइकन। तीसरा अपना होता है सिस्टम आइकन्स, सिस्टम आइकन्स। सिस्टम आइकन्स कौन से होते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर में डालने के बाद में ऑटोमेटिकली यहाँ प्रदर्शित होते हैं, ऑटोमेटिकली यहाँ प्रदर्शित होते हों, या फिर जो कंप्यूटर के विभिन्न भागों को प्रदर्शित करने के लिए बनाए गए आइकन्स होते हों। जैसे मान लो माई कंप्यूटर है, जैसे कौन सा है, माई कंप्यूटर है, माई डॉक्यूमेंट है, रिसाइकल बिन है, रिसाइकल बिन, ये सब अपने क्या होते हैं, सिस्टम आइकन्स होते हैं। कौन से होते हैं, सिस्टम आइकन्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपने क्या रहेंगे, कई सारे यहाँ पर आइकन, यानी तीन प्रकार के मैन कौन से होते हैं अपने, तीन प्रकार के, इनको मैं फोल्डर और फाइल आइकन भी बोल सकता हूँ, फोल्डर और फाइल आइकन्स, ठीक है। मान लो यहाँ पर तो अपन ने क्या बना दिया, फोल्डर बना दिया, न्यू फोल्डर बना दिया, तो ये फोल्डर आइकन हो गया। आपने फोल्डर नहीं बनाया, केवल क्या किया, एक फोटो को ही यहाँ पर छोड़ दिया, एक फोटो को ही क्या कर दिया, यहाँ पर छोड़ दिया, जैसे मान लो 0001.jpg, ठीक है। तो ये एक फोटो हो गई, ये अपनी क्या कहलाएगी, फाइल आइकन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, फाइल आइकन कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपने तीन प्रकार के आइकन हो गए, कौन कौन से, शॉर्टकट आइकन, फोल्डर और फाइल आइकन, और तीसरा अपना सिस्टम आइकन। तो ये इस तरीके से अपना क्या बन गया, एक ये मैन विंडो का जो होम स्क्रीन अपन देखते हैं, डेस्कटॉप अपन देखते हैं, तो ये इस तरीके का अपना डेस्कटॉप अपने को दिखाई देता है, ठीक है। ये अपनी बात रही किससे रिलेटेड, सिस्टम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर के अंदर काम कर सकते हैं, और अपने को इस तरीके से सिस्टम आइकन, सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो दिखाई देता है, ठीक है। अब अपन बात करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, कौन से सॉफ्टवेयर की, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपन किसे कहते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जो यूज़र अपनी आवश्यकता के अनुसार कंप्यूटर में इंस्टॉल करता हो, ऐसे सॉफ्टवेयर जो यूज़र अपनी आवश्यकता के अनुसार कंप्यूटर में इंस्टॉल करता हो, उनको उनको क्या कहेंगे अपन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहेंगे। जैसे मान लो वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है कि कोई भी अपन ने मैटर टाइप किया, जैसे मान लो एप्लीकेशन टाइप की या फिर लेटर टाइप किया, ठीक है ना, तो उसकी एडिटिंग और फॉर्मेटिंग से रिलेटेड जो अपने सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है ना, वर्ड प्रोसेसिंग हो गए। इसके बाद में मान लो DTP, ठीक है ना, DTP सॉफ्टवेयर्स हो गए। इसके बाद में मान लो कि आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स हो गए, कौन से हो गए, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स हो गए, ठीक है, स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स, यानी हम लोग जो टेबल वगैरह बनाते हैं, ठीक है ना, वो सब सॉफ्टवेयर्स क्या कहलाएंगे अपने, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। अपने प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स, इन सॉफ्टवेयर्स के बारे में अपन आगे देखेंगे, ठीक है ना। जैसे देखिए जो DTP है और वर्ड प्रोसेसिंग है, इसके लिए अपना MS Word काम में आता है, कौन सा काम में आता है, MS Word। अकाउंटिंग के लिए अपना जैसे टेली सॉफ्टवेयर है वो काम में आता है, ठीक है। स्प्रेडशीट के लिए अपना एक्सेल काम में आता है, और प्रेजेंटेशन के लिए अपना PPT काम में आता है, सॉरी पावर पॉइंट, कौन सा काम में आता है, पावर पॉइंट काम में आता है, ठीक है ना। इसी तरीके से मान लीजिए कि रेलवे रिजर्वेशन, रेलवे रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर है। अब रेलवे रिजर्वेशन के अंदर ये अपन क्या कर लेते हैं, बस टिकट रिजर्वेशन, ठीक है ना। और इसी तरीके से अपने कई सारे अपने सॉफ्टवेयर्स आ जाएंगे, जिनको अपन क्या कहेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब देखिए, अगर आपको रेलवे रिजर्वेशन नहीं चाहिए आपके सिस्टम में, तो क्या आप इसे इंस्टॉल करेंगे, नहीं करेंगे ना। और अगर ये कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं रहेगा, तो क्या आपका कंप्यूटर काम नहीं करेगा, करेगा, क्योंकि आपके कंप्यूटर में क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, पावर पॉइंट, अगर मुझे पावर पॉइंट चलाना है तो क्या करूँगा, मैं ही उसे इंस्टॉल करूँगा, आप उसे इंस्टॉल नहीं करेंगे। आपको अगर वर्ड प्रोसेसिंग चाहिए, ठीक है, तो आप वर्ड प्रोसेसिंग को
इंस्टॉल करेंगे, यानी एमएस वर्ड को इंस्टॉल करेंगे, मैं नहीं करूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या होते हैं अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको यूजर अपनी आवश्यकता के अनुसार क्या करता है कंप्यूटर में स्टोर करता है, इंस्टॉल करता है, वो सॉफ्टवेयर अपने कौन से कहलाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपने कहलाते हैं, ठीक है। तो देखिए अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो जो सॉफ्टवेयर अपना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिलेबस में जो आता है वो अपना आता है एमएस ऑफिस। तो एमएस ऑफिस से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको शायद बात समझ में आ गई होगी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी जो कंप्यूटर के उपयोग में आ रहे हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी कि जो यूज़र के काम में आ रहे हैं, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या देखने वाले हैं, अपन नेक्स्ट वीडियो में यही देखेंगे कि एमएस ऑफिस जो है वो किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो अब तक हमने कौन से सॉफ्टवेयर देखे, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में अच्छे से हमने देख लिया, डिटेल से हमने देख लिया। अब अपन क्या करेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में देखेंगे, ठीक है। और कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में देखेंगे, एमएस ऑफिस के बारे में देखेंगे कि एमएस ऑफिस का अगर हमें उपयोग करना है तो हम क्या करेंगे, कंप्यूटर में एमएस ऑफिस को इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद उसे क्या करेंगे, चलाएंगे, ठीक है ना। और उसके बाद में एमएस ऑफिस को अपने को पूरे को पढ़ना पड़ेगा, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेल, ठीक है। तीनों से अपने को क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अपने एमएस ऑफिस अभी सिलेबस में बचा है, और उसके बाद में अपन क्या देखेंगे, इंटरनेट को देखेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, नेक्स्ट वीडियो में अपन लेकर के आएंगे एमएस ऑफिस को। धन्यवाद।